बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में हमने स्वर पढ़ लिए और व्यंजन भी पढ़ने शुरू कर दिए हैं, है ना। हमने व्यंजन को पढ़ना शुरू कर दिया है, अभी हम आगे के व्यंजन को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने क से लेकर अण तक के व्यंजन पढ़ लिए, आज हम आगे के व्यंजन को पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपनी नोटबुक निकालनी है, डबल लाइन वाली, और उसमें ऐसे चार लाइन बनाएंगे, यानी कि पांच बॉक्स, जैसे कि हम हर पेज में करते आए हैं। हमने जैसे अगले पेजों में किया है वैसे ही हम लोग लाइन बना के अपना पेज तैयार कर लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने नोटबुक निकाल ली है और उसमें आगे के जैसे लाइंस भी बना ली है, है ना। और हमने व्यंजन में क से लेके अण तक के व्यंजन पढ़े हैं, है ना। अभी आज हम आगे के व्यंजन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखना है वो मैं आपको सिखाती हूँ, आपको देखना है, फिर उसको अपनी बुक में कॉपी करके लिखना है, ठीक है। तो आप लोग जैसे मैं बोलती हूँ वैसे ही उसको लिखेंगे, ठीक है। तो अब तक हम कहाँ तक पहुंचे थे, अण तक, है ना। आज हम आगे लिखेंगे, न्यू पेज पे हमने ऐसे लाइंस बना दी है। अभी हम फर्स्ट लाइन में लिखेंगे, तो इधर लिखेंगे तो से तलवार। तो पहले ऊपर स्लीपिंग लाइन बना देंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन सामने, और बीच में स्लीपिंग लाइन, है ना। बन गया तो से तलवार या तो से तराजू, है ना। आपको जो बड़ी वाली ब्लू लाइन है उसे में ही लिखना है, ठीक है। एक बार फिर लिखते हैं, पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर आगे की तरफ स्लीपिंग लाइन, फिर नीचे की तरफ थोड़ा सा कर्व लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, जीरो रेखा, बन गया तो से तलवार। एक बार फिर स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, थोड़ा सा कर्व नीचे की तरफ, ऊपर स्लीपिंग लाइन यानी कि जीरो रेखा, बन गया तो से तलवार। ऐसे ही आप लोग नीचे नीचे लिखते जाएंगे, ठीक है। तक को ऐसे ही नीचे नीचे लिखते जाएंगे। उसके बाद आता है थ, कैसे लिखेंगे, पहले जीरो रेखा, स्टैंडिंग लाइन, और आगे कर्व बनाया एक, और कर्व बना के पीछे की तरफ कर्व दूसरा, और जो आगे कर्व बनाया उधर सर्कल बना देंगे, ठीक है। तो बन गया थ, थ से थर्मस, क्या बनेगा, थ से थर्मस। एक बार फिर देखते हैं, ऊपर सीरो रेखा सब में बनानी है, उसके बाद एक कर्व, फिर उल्टा बनाया दूसरा कर्व, फिर उसको ज्वाइन करते हैं स्टैंडिंग लाइन, और जो कर्व ऊपर बनाया था उसमें सर्कल बना देंगे, बन गया थ, थ से थाली। एक बार फिर ऊपर सीरो रेखा स्लीपिंग लाइन, फिर एक कर्व, फिर दूसरा कर्व, फिर स्टैंडिंग लाइन, और जो ऊपर कर्व बनाया था उधर सर्कल, तो बन गया थ, थ से थर्मस, ठीक है। ऐसे ही नीचे नीचे पूरा लाइन लिखते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद द, क्या आएगा द, तो पहले ऊपर स्लीपिंग लाइन, फिर छोटा सा स्टैंडिंग लाइन,
फिर कर्व बनाएंगे और जो कर्व बनाया उस तरह से नीचे की तरफ गोल घुमा के, है ना, इजी बन गया द। द से दवाई। एक बार फिर देखते हैं स्लीपिंग लाइन यानी कि सिरो रेखा, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व और फिर जो कर्व के लास्ट पार्ट है उधर से गोल घुमा के नीचे की तरफ स्टैंडिंग लाइन, तो बन गया द। द से दवाई। एक बार फिर देखते हैं स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व बनाया गोल घुमा के नीचे की तरफ, बन गया द। द से दवाई। ठीक है, ऐसे ही आप लोग नीचे नीचे लिखते जाएंगे। उसके बाद आएगा द। द के बाद द कैसे लिखेंगे, तो पहले हम एक कर्व बड़ा सा बनाएंगे ऊपर की लाइन से बाहर तक, ये जो हमारी ब्लू लाइन है उधर से बीच में एक कर्व बनाएंगे, फिर उसको ज्वाइन करते हुए दूसरा कर्व, फिर स्टैंडिंग लाइन, ये जो हमने उल्टा थ्री बनाया यानी कि दो कर्व बनाए ऊपर की तरफ, हम लोग इधर सर्कल बना देंगे। ठीक है, और ऊपर साइड में छोटा सा स्लीपिंग लाइन यानी कि सिरो रेखा, बन गया द। द से धनुष। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं ऊपर कर्व, फिर दूसरा कर्व, फिर स्टैंडिंग लाइन, ऊपर जो कर्व बनाया था उधर सर्कल बनाएंगे थोड़ा, और पीछे छोटी सी स्लीपिंग लाइन यानी कि सिरो रेखा, तो बन गया द। द से धनुष। एक बार फिर एक कर्व, फिर दूसरा कर्व, फिर स्टैंडिंग लाइन, ऊपर गोल बनाया सर्कल और पीछे सिरो रेखा बना दी ऊपर, तो बन गया द। द से धन। ठीक है, ऐसे ही हम पूरा पेज लिखेंगे। इसके बाद ध के बाद आएगा न, तो उसके लिए पहले हम लोग बीच में स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, आगे की तरफ गोल सर्कल बना देंगे, पीछे स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, ऊपर सीधो रेखा, बन गया न। न से नल। एक बार फिर देखते हैं स्लीपिंग लाइन बनाएंगे मिडल में, फिर आगे की जो लाइन बनाई थी उसमें आगे की तरफ सर्कल, पीछे स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, बन गया न। न से नल। एक बार फिर बीच में स्लीपिंग लाइन, आगे की तरफ कर्व यानी कि हाफ सर्कल बनाया, पीछे स्टैंडिंग लाइन बनाई, ऊपर स्लीपिंग लाइन यानी कि सीधो रेखा, बन गया न। न से नदी, है ना। आप लोगों को ऐसे ही पूरा पेज लिखना है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, त, त, थ, द, थ, न, है ना। एक बार फिर देखते हैं, त से तलवार, त से तराजू, थ से थाली, थ से थाली, द से दवाई, द से धनुष, द से धनुष, न से नदी, न से नदी। आप लोगों को पूरा पेज ऐसे ही लिखना है, ठीक है, और अच्छे से याद कर लेना है। कैसे लिखेंगे, पहले त का लाइन, फिर थ,
फिर द, उसके बाद द और लास्ट में न। आपको ऐसे ही लाइन में लिखना है, ऐसे स्लीपिंग लाइन में नहीं लिखेंगे, स्टैंडिंग लाइन में ही लिखते जाएंगे, ठीक है।